हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुप। आज दोस्तों हम सीखने वाले हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम सीखेंगे उसका नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, जो भी इसके टूल है हमारा उसका क्या नाम है, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, ये सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और इसका साइड व्यू क्या होता है, किस तरीके से हम एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, जैसे नाम से क्लियर है, इस पे जो कटिंग एज होता है वो क्या होता है, एक एज होता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका कटिंग एज है और इसे ही हम कहते हैं नोज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे नोज कहते हैं। और इसी कटिंग एज के सहारे हम क्या करते हैं, पूरे वो जिस वर्क पीस में हमें काम करना होता है उसको हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, इस देखो यहाँ पे इस टूल के सिर्फ एक नोज के सहारे हम क्या कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, इस वर्क पीस को क्या कर रहे हैं, हम पूरा कट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस वर्क पीस में हेल्प करते हैं। अब देखो बात करते हैं इसके कुछ नॉमेनक्लेचर के। अब देखो जैसा कि ये इस तरीके से हमारा कुछ टूल होता है, अब इसका नाम किस तरीके से बनता है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। अब ये जो है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है, सैंक है। ठीक है, जैसा कि दिखाया हुआ यहाँ फिगर देखो, ये क्या हमारा सैंक है। सैंक क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है उस पे क्या होता है, ये होल्ड करने में आता है। ये पूरा हमारा टूल रहता है, ये हमारा सैंक का पूरा पोर्शन इसमें दिखाया नहीं भी, तो ये क्या होता है, होल्ड करने के काम आता है। जो हमारा पूरा टूल टूल होता है वो क्या हो जाता है, इसमें होल्ड होता है। तो मैं मान लो अगर ये थोड़ा सा कि पूरा हमारा सैंक है इस तरीके से, तो इसको डिजाइन किस तरीके से करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इस अभी ये क्या क्या है, क्या है, पूरा इस तरीके से समतल है जैसे ये दिख रहा है व्यू आप। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम हल्का से इसको क्या करते हैं, डाउन करते हैं, एक एंगल प्रोवाइड करते हैं, ये जो हमारा हल्का सा डाउन होता है इन दोनों में, और यहाँ पे इस तरीके से ये जब ये डाउन होता है तो एक एंगल बनता है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जब डाउन होता है यहाँ पे हल्का सा, तो ये क्या बनता है, साइड रैक एंगल बनता है। तो साइड रैक एंगल हम इसे किस लिए बनाते हैं, साइड रैक एंगल से होता क्या है, जो हमारे चिप होते हैं वो इजिली रिमूव हो जाते हैं। क्या होता है, जैसे हमारा ये टूल कट रहा है इस तरीके से, तो ये जो चिप हमारी बाहर निकल रही है इसके कारण से निकल सकती है। इसके लिए हम और एक वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारा होता है, ये क्या है, हमारा साइड रैक एंगल है। अब ये वाला पोर्शन है, आप इसको समझ लीजिए इस तरीके से एग्जाम में दिखा सकते हैं, ये पूरा पोर्शन क्या है, फेस है। इस फेस पे ही हम क्या करते हैं, और इस सैंक दोनों के बीच में ही ये साइड रैक एंगल को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया साइड रैक एंगल। अब क्या होता है, ये टूल अगर मैं थोड़ा सा व्यू करूं, तो ये अभी मैंने मान लिया पूरा इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है पूरा। ठीक है, यानी चौकोर है। अब क्या है, इस चौकोर को ना करके हम यहाँ पे एक हल्का सा डाउन करते हैं, यहां से एक एंगल प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा है पूरा टूल जैसे आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको जब डाउन किया तो एक यहाँ पे अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक एंगल प्रोवाइड हो रहा है, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या पूरा सीधा है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डाउन किया, तो ये जो हमारा एंगल प्रोवाइड हो रहा है इसे हम कहते हैं साइड कटिंग एंगल। क्या करते हैं, इसे हम साइड कटिंग एंगल करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जैसा कि बताया ये कटिंग पॉइंट है, ये क्या हमारा होता है, नोज रेडियस होता है। इसी तरीके से ये जो हमारा डाउन हो रहा है हल्का सा, ये वाला यहाँ पे पोर्शन, ये वाला हमारा जो पोर्शन हो रहा है, ये इसे हम कहते हैं साइड रिलीफ एंगल। अब साइड रिलीफ एंगल से क्या होता है, साइड रिलीफ एंगल हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं इस पूरे टूल पे, ताकि जो हमारी जॉब है जिससे हम काम कर रहे हैं वो हमारा टूल उससे टकराए ना, यानी फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि अगर कंटिन्यू टकराएगा ऐसे एंगल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो टूल क्या होगा हमारा, टच करेगा। ठीक है, और ये हमारा जो साइड गए, ये हमारा क्या होता है, फ्लैंक, ये हमारा जो पोर्शन है क्या है, ये फ्लैंक है। अगर हम 3D व्यू में देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, पूरा फ्लैंक होता है। अब देखो यहाँ पे भी मैंने दिखाया हुआ है, ये मैंने अंदर देखो, अंदर की ओर ये हल्का सा डाउन है, ये वाला हमारा पोर्शन पूरा, ये वाला ये पोर्शन पूरा डाउन है। अब यहाँ पे जब ये हल्का सा डाउन हुआ यहाँ से ये वाले व्यू से, तो यहाँ पे जो इस एंगल के बीच में ये जो हमारा एंगल बन रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में, यानी ये फ्लैंक और ये हमारा जो एक्सिस है पूरा पैरेलल, इसे हम कहते हैं साइड कटिंग एंगल। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं साइड कटिंग एंगल एंगल। और इस टूल की पूरा नोज के बीच में और ये जो हमारा एंगल वर्टिकल हमें एक्सिस मिल रहा है, इसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल, या हम कहते हैं एंड रिलीफ एंगल,
जिससे हमारा कटिंग टूल है ओनली एक ही पॉइंट हमारा जॉब से टकरा है, पूरा ये टूल जो है हमारा जॉब से टकरा है। अगर क्योंकि ये पूरा समतल होगा इस तरीके से चौकोर बना होगा कि हमारा टूल से कंटिन्यू टकराएगा। तो ये कुछ नॉर्मल कल्चर है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। अब अगर हम इसके व्यू की बात करें थोड़ा सा, ये जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्या है आपको एग्जाम में आसानी होती है व्यू को दिखाने में और लिखने में। देखो अगर हम इस पोर्शन को देखें यहां से इस पूरे, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, अगर हम यहाँ देखते हैं ये हमारा क्या है साइड रैक एंगल। अब साइड रैक एंगल देखो, इस टूल को अगर हम देखेंगे यहाँ से तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, एक ये हमारा पोर्शन दिखेगा, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन दिखेगा, और ये वाला पोर्शन के साथ ये हमारा बैक साइड का होगा, एक मिनट, ये हमारा क्या है बैक साइड का, और ये हमारी पूरी, ये इसकी बात कर रहे हैं पूरे साइड से अगर हम देखते हैं, और ये हमारा कुछ एंगल इस तरीके से दिखेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये वाला एंगल है, इसे हम कहते हैं बैक एंगल, बैक रैक एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है पूरा सैंक का पार्ट है। अगर इस टूल को यहां से इस तरीके से हम अगर देखते हैं तो ये जो हमारा है ना, ये हमारा कहलाता है इंड रिलीफ एंगल। अगर हम इस पूरे एंगल को यहां से काउंट करें, क्योंकि हल्का सा ही क्या होता है, ये हल्का सा तिरछा होता है, ये होता है हमारा इंड रिलीफ एंगल, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं इसके इस साइड से देख रहे हैं, अगर हम इस साइड से देखेंगे तो देखो ये वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा, और ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, और थोड़ा सा ये दिखाई देगा, यही तो दिखाई देगा। तो इसी को मैंने इस तरीके से पूरा रेक्टेंगल ड्रा कर लिया पहले। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद हमें ये वाले एंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है। अगर हम इस साइड से देखते हैं तो ये वाला क्या रहेगा साइड रैक एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा दिख रहा है साइड रैक एंगल, ये वाला हमारा साइड रैक एंगल हो गया, और ये हमें लास्ट में क्या दिखेगा, ये दिखेगा साइड रिलीफ एंगल, ये हमारा हो गया साइड रिलीफ एंगल। तो देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं टॉप से दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं टॉप से दिख रहे हैं। अगर हम टॉप से देखेंगे तो ये वाला हमारा पोर्शन पूरा दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा पूरा, ये नोज दिखेगी, और इस हल्का सा ये वाला साइड पूरा दिखेगा, ये हमारा जो साइड हल्का सा डाउन हो रहा है अगर हम इस टॉप से देखते हैं। अगर इस टॉप से देखते हैं तो ये हमारा क्या है सैंक होता है, देखो जैसे कि दिख रहा है। अब ये देखिए ये हमारा कटिंग एंगल दिखेगा, ये इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए एक बार। यहां पे देखो यहां पे क्या है, ये हमारा एंगल बन रहा है ये वाला, तो ये साइड से क्या दिखेगा, ये हमारा क्या दिखेगा इंड कटिंग एज दिखेगा, क्योंकि हल्का से डाउन हो रहा है, तो वही मैंने दिखाया वो यहाँ पे हल्का सा डाउन कर गई, इंड कटिंग एंगल है, और ये हमारा नोज है। अभी नोज जब यहाँ से है, ये नोज से है, ये हल्का सा देखो ये कर्व दिख रहा है पूरा ये वाला, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये हमारा क्या है कटिंग एज दिखता है, और इसे हम और आगे बढ़ाते हैं हल्का से, ये जो हमारा ये पूरा डाउन हो रहा है तो ये हमें क्या दिखता है साइड कटिंग एज एंगल दिखता है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन होता है हमारा साइड रैक एंगल का। अगर हम इसको व्यू से देखते हैं या हम इस तरीके से अगर एग्जाम में लिखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप व्यू क्लियर कर पाएंगे तो भी आप एग्जाम में नंबर गेन कर सकते हैं, और ये भी समझ भी सकते हैं कि हम इसे किस तरीके से देख रहे हैं, तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाता है जैसे हमारा टॉप व्यू हो गया, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉप व्यू है ये हमारा क्या है पूरा साइड व्यू है, ये हमारा क्या है साइड व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हो सकता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।